नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा एग्रेशन यानी आक्रामकता, उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। ये हमारा व्याख्यान रहेगा, ये पूर्ण रूप से हिंदी में रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आक्रामकता, अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं। देखिए, आप एक पिक्चर आपके सामने है, ये इमेज आपके सामने है, आप इसको देखेंगे, ये एक आक्रामकता को प्रदर्शित एक पिक्चर है। किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है और वो दूसरा जो है अपने किस प्रकार वो बचने की उससे कोशिश कर रहा है। ये एक पिक्चर है जो सिर्फ दिखा रही है कि आक्रामकता क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले भारतीय पारंपरिक साहित्य में आक्रामकता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। सबसे पहले देखिए, भारत के पारंपरिक साहित्य में आक्रामकता को न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना माना गया है, बल्कि जानबूझकर शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से स्वयं या दूसरों के आंतरिक वातावरण में अशांति का कारण बनना भी माना गया है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति स्वयं को भी आंतरिक रूप से अपने आप को किसी गतिविधि से, मानसिक या शारीरिक गतिविधि से अपने आप को परेशान करता है या उसके अंदर अशांति का अनुभव होता है, तो भारतीय पारंपरिक साहित्य में उसे भी एक प्रकार की आक्रामकता ही कहा गया है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना या उसको मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना तो आक्रामकता होगा ही होगा। अगर व्यक्ति स्वयं को भी अपने आप को चोट पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, उसे भी भारतीय साहित्य ने आक्रामकता यानी एग्रेशन का नाम दिया है। अब देखिए, जयराम जो कहते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए विचारों, इच्छाओं और शब्दों का उपयोग भी आक्रामकता ही कहलाता है। यहाँ पर विचारों के माध्यम से तो हो सकता है, उपयोग भी आप शब्दों का उपयोग का भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक विषय है, एक चीज़ है जो है इच्छाएं, इसका यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से किस प्रकार दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के भारतीय परिवेश में, शिक्षा के परिवेश में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों पर एक प्रकार से आक्रामकता का उपयोग हो रहा है। बच्चे, माता पिता और टीचर्स अपनी इच्छाएं उन पर थोप रहे हैं और समाज भी उनसे बहुत ज़्यादा आशाएं रख रहा है जो उनके उम्र के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि जो माता पिता अपनी इच्छाओं को अपने समय में पूर्ण नहीं कर पाए, वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के उस तरह से बने और हमारी इच्छाओं को पूर्ति करें। तो भारतीय परंपरा ये कहती है कि ये भी एक तरह की आक्रामकता है। हमारे इतिहास में कहीं पर भी ऐसे साक्ष्य और परिणाम नहीं मिलते, परिमाण नहीं मिलते कि जहां पर हमारे लोगों ने अपने बच्चों पर इस तरह से अपनी इच्छाओं को थोपा हो। ये जरूर है, कुछ आशाएं जरूर रखी जाती हैं, लेकिन जो आज भारतीय शिक्षा में प्रचलित हो रहा है वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसके परिणाम अभी मिलने में शुरू हो रहे हैं कि किस प्रकार से अध्यापक, ये समाज, ये माता पिता, ये सभी लोग इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर अपनी इच्छाओं को थोप कर एक अपने अग्रेसिव बिहेवियर को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है और जो समाज के लिए लंबे समय में, आने वाले समय में एक घातक परिणाम लेकर आने वाला है और उसके परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं और जिसकी जिम्मेदारी हम थोप रहे हैं इस शिक्षा प्रणाली पर। तो फ्रेंड्स, ये था पारंपरिक भारतीय साहित्य में आक्रामकता। अब इस आक्रामकता का एक अर्थ को हम समझना चाहते हैं, ये होता क्या है। देखिए, क्रोध या घृणा की भावना, या यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी के प्रति आप क्रोध या घृणा की भावना भी रखते हो, चाहे आपने उसको दिखाया नहीं है, चाहे आपने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया है, अगर आप उसकी भावना भी रखते हो या कार्य तो आक्रामकता होगा ही होगा, अगर उसके किसी के प्रति आप फीलिंग्स भी रखते हो, किसी एंगर की या हेटर्ड की फीलिंग रखते हो, तो वो भी जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शत्रुतापूर्ण या हिंसक व्यवहार होता है, ये आक्रामकता का अर्थ है। तथा
हमला करने या हमले का सामना करने की तैयारी को भी आक्रामकता की श्रेणी में रखा जाता है। हमला करने का तो अर्थ समझ में आता है, हमले का सामना करने की तैयारी को भी आक्रामकता की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो भी एक प्रकार की आक्रामकता है। गाये बजाए किसी न किसी कभी न कभी उस तैयारी का इस्तेमाल होगा। और आप देख सकते हैं कि आज के इस युग में हर देश अपने आप को हमले की तैयारी से बचाने के लिए बहुत बड़ा पैसा रक्षा सेवाओं पर खर्च कर रहा है, वो भी एक प्रकार की आक्रामकता है। अगर मैं किसी प्रकार से आक्रामकता या हमला से बचने की तैयारी कर रहा हूँ तो ये अगर मैं दूसरे को ये तैयारी दिखा रहा हूँ कि मैं हमले से बचने की तैयारी कर रहा हूँ तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल यानी मानसिक आक्रामकता का मैनिफेस्टेशन होता है, प्रदर्शन होता है दूसरे को ये जताने के लिए कि आप इस पर हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करना। तो यही है एक तरह से, यानी कि अगर हमला करने की तैयारी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आक्रामकता होगा ही होगा, लेकिन अगर हमले का सामना करने की तैयारी कोई कर रहा है तो उसे भी आक्रामकता की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे भी आपके सामने एक भारतीय पारंपरिक इतिहास से हमने एक पिक्चर ली है, ये कैसे दिखा रही है आक्रामकता। ये आक्रामकता दोनों तरफ हो सकती है, नुकसान पहुंचाना तो इसमें होता ही होता है, खेल में भी आक्रामकता का बहुत मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाता है। जो आपके सामने है ये एक पिक्चर है किस तरह से श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई कुश्ती के मैदान में अखाड़े में किस तरह से दो उनके साथ पहलवानों के साथ ये आक्रामकता के साथ अपनी अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं, ये भी एक आक्रामकता है। ये भारतीय पारंपरिक इतिहास से ले गई एक छाया चित्र है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। एक ऐसा व्यवहार जो लोगों या प्राणियों, यहाँ पर दोनों बातें दी गई हैं, लोगों के साथ साथ और भी लिविंग बींग्स जितने भी हैं प्राणियों के लिए मनोवैज्ञानिक या शारीरिक नुकसान का कारण बनता है। जो व्यवहार ऐसा कारण बनता है या तो वह प्रतिशोध की भावना से यानी बदले की भावना से किया गया है या फिर किसी उत्तेजना या किसी उद्दीपक के कारण हो सकता है या किसी ने उसको छेड़ दिया हो। तो यह आक्रामकता की छोटी सी सामान्य सी सरल सी परिभाषा है। अब आगे देखिए रिचर्डसन बैरन रिचर्डसन बताते हैं कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है जो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देना चाहता। ये बैरन रिचर्डसन 1994 में नई परिभाषा दी है, यानी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ऐसे व्यक्ति को जो नुकसान होना नहीं चाहता। अब इसकी प्रकृति को देखिए, इसका नेचर देखिए, आक्रामकता का नेचर क्या होता है। आक्रामकता नुकसान करने या हानि पहुंचाने की अभिव्यक्ति होती है। मुख्य रूप से इसका जो सेंट्रल थीम है आक्रामकता का यही है कि यह हानि पहुंचाने की एक अभिव्यक्ति है। यह एक प्राणी या किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर की जाती है, यह भी श्योर है। आक्रामकता से होने वाला नुकसान मानसिक या शारीरिक हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि नुकसान होगा ही होगा। आक्रामकता से किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है, चाहे वो किसी व्यक्ति को हो, चाहे किसी प्राणी को हो, चाहे वो स्वयं को हो, लेकिन नुकसान होगा ही होगा। आक्रामकता मानव व्यवहार के कई सारे तत्वों में से एक तत्व है, कई घटक होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, कई कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट का में से एक कंपोनेंट है आक्रामकता। ऐतिहासिक साक्ष्य यानी जो प्राचीन हमारे पास एविडेंस हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि जो आक्रामकता है मानव में प्राचीन काल से ही उपस्थित थी और इसको प्रमाणित भी करते हैं। बहुत सारे वार लड़े गए, युद्ध लड़े गए, किस तरह से लोग शिकार खेलते थे अपने जीवन यापन के लिए, किस तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे, ये सारे के सारे प्राचीन इतिहास में साक्ष्य दर्ज हैं। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये दिखा रहा है, ये प्रमाणित कर रहा है कि आक्रामकता मानव में प्राचीन काल से रही है और ये आक्रामकता केवल मानव में नहीं जानवरों में और हर तरह के प्राणी में आक्रामकता भी पाई जाती है। आक्रामकता प्रदर्शित करने वाला एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आक्रामकता एक व्यक्ति ही प्रदर्शित करे, व्यक्तियों का एक समूह भी आक्रामकता का प्रदर्शित कर सकता है। आक्रामक व्यक्ति को यह विश्वास होता है, बुशमन और एंडरसन 2001 में बताते हैं कि आक्रामक व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उसका व्यवहार लक्ष्य को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा और लक्ष्य आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए प्रेरित होता है। वो जो टारगेट होता है जिसके प्रति आक्रामकता प्रदर्शित की जाती है वो मोटिवेटेड होता है कि किस प्रकार से
आक्रामक व्यवहार से बचा जाए। अब देखिए आगे, आक्रामकता विभिन्न तीव्रता के साथ उम्र आबाद क्रम पर पाई जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है उम्र आबाद क्रम, यानी कि एज कंटिनम, बचपन से लेकर बुजुर्ग बिल्कुल अंतिम तक व्यक्तियों के अंदर आक्रामकता सब में पाई जाती है, लेकिन उनकी तीव्रता अलग अलग होती है, वो मैनिफेस्ट भी उसको अलग अलग तरह से करते हैं। या कि जो उम्र का आबाद क्रम, एक जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है, जो पूरा क्रम है, उसको आबाद क्रम कहते हैं। किसी शायर से पूछा किसी व्यक्ति ने कि जीवन क्या है, तो उसका एक सीधा सा जवाब था, माँ की कोख से चिता तक का जो सफ़र है उसे ही जीवन कहते हैं। तो ये आबाद क्रम की जो बात थी, इसके साथ मैंने आपको ये बात बताई। आगे चलते हैं, पुरुष और महिलाओं में आक्रामकता की जो अभिव्यक्ति होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है। ये देखिए, यह व्यक्तिगत, पर्यावरण, जैविक और स्थितिमय कारणों के कारण हो सकती है, यानी अगर कुछ पर्सनल रीजन आपके हों, कुछ पर्यावरण के रीजन आपके हों, कुछ जैविक बायोलॉजिकल हों, या कुछ सिचुएशनल कुछ कारण होते हैं, उनके कारण भी ये हो सकती है। आपको बता सकता हूँ मैं, इसे आक्रामकता को यानी आक्रामक व्यवहार को मनोसामाजिक यानी साइकोसोशल कारण और कानूनी साधनों से रोका तो जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मानव व्यवहार से इसे पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता है। इसको हम नहीं खत्म कर सकते मानव व्यवहार से जो सदियों से चला आ रहा है। भय, क्रोध या शत्रुता व्यक्त करने, ये क्यों होती है आक्रामकता, आप देखिए किस लिए होती है। यह क्रोध या शत्रुता व्यक्त करने, प्रभुत्व जमाने, भयभीत करने या धमकी देने, लक्ष्य को प्राप्त करने, भय या दर्द की प्रतिक्रिया और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी आक्रामकता का प्रदर्शन किया जाता है। केंद्र चेरी ये 2008 में ही बात उन्होंने बताई है कि किस प्रकार व्यक्ति आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, चलिए हम कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। यानी उत्तेजना की एक उच्च स्थिति होती है, दिस हाई अराउजल स्टेट, यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर एक जब आक्रामकता का व्यवहार वो करता है तो एक प्रकार से भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहता है। आगे देखिए आप, आक्रामकता का मुख्य आशय, उसका जो सेंट्रल थीम है वो है नुकसान, क्षति या चोट पहुंचाना ही होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो यानी नुकसान मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हो सकता है, लेकिन इसका जो सेंट्रल थीम होता है, जो सेंट्रल थीम होता है उसका वही होता है कि नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो। आमतौर पर इसकी अभिव्यक्ति किसी हिंसक कार्रवाई से पहले होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई वायलेंट बिहेवियर करना चाहता है तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वायलेंट बिहेवियर से पहले उसके अंदर आक्रामकता का मैनिफेस्टेशन होता है, प्रदर्शन होता है। वो ऐसा चेहरा बनाता है कि जैसे बोलते हैं उसको कि चेहरा बनाकर या अपने चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से वो प्रदर्शित करना चाहता है आक्रामकता को, क्योंकि हिंसक व्यवहार से पहले। यह मौखिक वर्बल हो सकती है, या अगर किसी को आप ताने कसना है, किसी पर कमेंट मारना है, या कोई ऐसा शब्द कह देना जो उसको चुभ जाए, ये एक मौखिक, शत्रुतापूर्ण, शारीरिक या सक्रिय यानी एक्टिव रूप में हो सकती है। आक्रामकता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर किसी को आक्रामकता व्यक्त करनी है तो इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय था आक्रामकता क्या है, भारतीय पारंपरिक साहित्य में आक्रामकता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, आक्रामकता का अर्थ क्या है, आक्रामकता की विशेषताएं क्या है, उसकी परिभाषा क्या है आक्रामकता के, और उसको अच्छे से हमने डिफाइन किया। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जहां से मैंने आक्रामकता यानी एग्रेशन को लिया है। आगे आप देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो व्याख्यान होगा, आक्रामकता के निर्धारक यानी कौन कौन से कारक हैं जो आक्रामकता को निर्धारित करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर इस विषय से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई विचार है, कोई सजेशन है और कोई क्रिटिकल कमेंट है, तो हम अपने ओपन हृदय के साथ उसको स्वीकार करेंगे। इसके लिए हमारी ईमेल है वर्मा सुजीत@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी फिर मिलेंगे।